बानों के रेप मामले में तमाम आरोपियों की रिहाई के लेकर तमाम वाम दल और कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं ये लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। खासतौर पर जो बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिला है, उनके जो भी जो रेप के जो आरोपी थे वैसे लोगों को जो है वो रिहाई कर दिया गया है, और इसको लेकर पूरे देश में जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम लोग वो विरोध दर्ज कर रहे हैं, और इसी को लेकर जो है देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम लेफ्ट की पार्टी के जो विधायक हैं तमाम लोग हैं और ये लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। क्या क्या मामला है बिल्किस बानो को जो भी आरोपी थे? कहते हैं कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को और उसके परिजनों को जो हत्या कर दिया गया था उस समय उनको चुना गया, और 15 तारीख को ही जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था उसी दिन छोड़ दिया गया। ये जघन हत्या था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रिहाई के सवाल पर रोक लगा दिया था, लेकिन सरकार ने साजिश करके बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने का काम किया जो देश को शर्मसार कर रहा है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसका विरोध हो रहा है, और हम मांग कर रहे हैं कि मोदी इसको जवाब देना होगा। बीजेपी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटियों की बलात्कार हो रहा है, मोदी सरकार की दोहरा नीति जो है देश संसार हो रहा है, हम चाहते हैं उसको न्याय मिले, और मोदी सरकार जो झूठे लाभ ला रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कि उनका गलत नीति है, हम उनका विरोध करते हैं। ये 15 अगस्त को जिस दिन पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, ये उसी गुजरात में जहां 2002 में माने नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी वहां, और उसमें बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, उनके 7 साल की बच्ची की निर्मम हत्या हुई थी, और उसके साथ साथ परिवार के अन्य 11 लोगों की हत्या हुई थी, जनसंहार हुआ था, और 15 अगस्त को तमाम बलात्कारियों को जनसंहारकारियों को मोदी जी की सरकार ने अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके कहा जाए कि संरक्षण में उनको जो है माने रिहा किया गया। हम जवाब मांगते हैं। इस पर तस्वीरें तमाम दिखा रहे हैं कि भाकपा माले के तमाम विधायक हैं, बिल्किस बानो को के जो भी आरोपी थे उनको रिहा कर दिया गया। आप लोग जानते होंगे कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री प्राचीर से, लाल किला के प्राचीर से उन्होंने कहा, नारी के सम्मान की बात कहा, उन्हीं की सरकार ने गुजरात में 11 वैसे लोगों को रिहा किया गया, सरकार के कमिटी ने रिहा किया जो बलात्कार और हत्या के आरोपी थे, और सुप्रीम कोर्ट तक उसको सजा बरकरार रखा था, वैसे लोगों को बिना सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न के, बिना लॉ के नियम को धज्जियां उड़ाते हुए उसको रिहा किया गया, और रिहा करने के बाद बिल्किस बानो